वकार और आंटी के सर पे जिद सवार हो गई है। तुम्हें पता है मुझे डर है मिशा कहीं अपना को कुछ कर ना ले। सब मिशा को माफ करके भूल गए थे ना अफेयर। मेरे होते हुए इतनी आसानी से भूलने नहीं दूंगी मिशा की आशिकी को। अम्मी आप समझने की कोशिश करें। करार, मुझे तुम्हारी बातों में नेहा की सोच साफ नजर आ रही है। वो चाहती ही नहीं है कि हम लोग खुश रहें। पहले उसने मीशा को समझाने की कोशिश की, जब वहां बात नहीं बनी तो तुम्हें भेज दिया। अम्मी मिकाल ने खुद उससे कहा है कि वो शादी नहीं करना चाहता। लो मिकाल खुद ही आ गया, इससे पूछ लेते हैं ना। मिकाल बेटा बताओ तुम्हें शादी पर खुश हो ना? हाँ हाँ भाभी, अगर राजी ना होता तो मैं क्यों हाँ करती? तो बेहतर होगा कि वो खुद ही जवाब दे, आखिर जिंदगी तो इन दोनों ने गुजारनी है ना। बताओ मिकाल, क्या तुम दिल से राजी हो इस शादी के लिए? जी मैं राजी हूं। उसमें ये वाला दिखाइएगा। बाय द वे, तुम्हारा तो संडे का सारा प्लान खराब हो गया होगा। कब से इंतजार कर रहा था मैं कि तुम्हारी तरफ से कोई तंज क्यों नहीं आया। फाइनली मैं सोच रही थी फेस टू फेस तो अच्छा बताओ ये कैसा है? अच्छा अच्छा है, बस मीशू को भी पसंद आ जाए। आ जाएगा। अच्छा सुनो, हम तुम अपने लिए कुछ पसंद नहीं करोगी? एंगेजमेंट तो मीशा की है ना। तो क्या हो, खुशी का मौका है। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट करूँ, अपने लिए कुछ अच्छा सा पसंद करूँ। एक्सक्यूज मी, ये वाला दिखाइए। कैसा लगा? बहुत खूबसूरत है। चॉइस तो मेरी है। हाँ। एक्सक्यूज मी, ये दोनों पैक कर दीजिए प्लीज। ये देखो मैं अपनी प्यारी सी मीशो के लिए क्या लाया हूँ। थैंक यू भाई। थैंक यू क्या होता है, खोल के देखो इसे। कैसा लगा? बहुत खूबसूरत है। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो मीशा। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। आमीन। पता नहीं क्यों मुझे मीशो खुश नहीं लग रही मानू। तुम परेशान हो? आप यहाँ हैं? आपको पूरे घर में ढूंढ रही थी मैं। ये आपकी मिसेज है ना? कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक, बस थोड़ी परेशान हूँ। परसों एंगेजमेंट है और मैंने शॉपिंग भी नहीं की। आपको मुझे शॉपिंग करवानी थी ना? कल चलते हैं ना? नहीं मुझे अभी जाना है, चले। अरे चले ना, चले। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुमने उसे रोका क्यों नहीं। उसने किसी की सुनी ही कब, वो उसका हाथ पकड़ के अपने साथ ले गई। मानो मुझे तो उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लगते हैं। जब देखो अबरार के आगे पीछे घूमती रहती है, और वैसे अबरार भी ना उसको कुछ ज्यादा ही लिफ्ट करवाता है।
कजन है वो उसकी। तुम उसको कजन होने का मार्जिन देती रहो, पहले नेहा थी अब वो आ गई। देखो मानो, अपने शोहर पर ना निगाह रखो। वैसे भी अबरार बहुत दिल फेंक टाइप है। अब ऐसा भी नहीं है अबरार, इतना भी यकीन करना अच्छी बात नहीं है मानो। भले से अभी कुछ ना हुआ हो, लेकिन ये शोखियां शरारतें, इन पे दिल आने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। देखो तुम सोबर सादी सी लड़की हो, और वो तो बड़ी शोखो चंचल है भाई। देखा नहीं उसको कैसे सबको अपनी बातों में ले लेती है। बातें करने का फन आता है उसे। देखो मैं बहन हूं तुम्हारी, इसलिए तुम्हें समझा रही हूं। तुम अबरार को इतनी आजादी मत दो कि उसे इस रिश्ते में बंधना एक सजा लगने लगे। अच्छा रिलैक्स हो जाओ, तुम तो बहुत टेंस लग रही हो। तुम यही रुको, मैं ऑर्डर करके आता हूँ। ठीक है। कभी हमारे साथ भी चले ना। जी? चलेंगी राइड पे। Shut up and get lost! गुस्सा क्यों हो रही है? चलें तो सही। क्या बकवास कर रहा है? क्या हो गया भाई? क्या बकवास कर रहा था इसके साथ? क्या बोला है मैंने उनको? बहुत हिम्मत है तेरे अंदर, निकालूं? क्या हुआ भाई? हाँ छोड़ता हूँ तुझे, लेकिन तूने जो हरकत की है उसका बदला लेने के बाद बताऊं मैं तुझे क्या हुआ है? रुक, जाता कहाँ है? रुक, मैं तुझे बताता हूँ। पागल हो गए क्या? अगर उनके पास गन होती तो? नहीं डरता मैं ऐसे लुच्चे लफंगों से। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे साथ बदतमीजी करने की? इसीलिए मुझे बुरी लगती है इस तरह की ड्रेसिंग। ड्रेसिंग ऐसी होनी चाहिए जो जिस्म की नुमाइश ना करे। तो ठीक है, आप अपनी पसंद से शॉपिंग करा दें मुझे। सोच लो, कैरी कर पाओगी? खुशी खुशी कैरी करूंगी, डोंट वरी। ये लो आइसक्रीम। चलती बाइक पे खाएंगे? अभी तो यहाँ से चलते हैं। हेलो, मेरी मीशा से बात करवा दें प्लीज। देखो बात करने जैसी सिचुएशन रही नहीं है अब। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आंटी ने मीशा की शादी करने का फैसला अचानक क्यों ले लिया, और तुम अभी भी बेबसी की तस्वीर बने उससे बात करने की फरमाइश कर रहे हो। और क्या करूं भाभी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। उस दिन में मैं बिना सोचे समझे मीशा से मिलने चला आया और आंटी ने देख लिया। मुझे तुमसे इस बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी फरहाद। प्लीज भाभी कुछ करें, मैं मीशा के बगैर नहीं रह सकूंगा। अच्छा देखो अभी उसकी सिर्फ मंगनी हो रही है, तुम परेशान मत हो, मैं देखती हूँ।
तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू भाभी। नीनू को नहीं बुलाया? हाँ वो अभरार लेने गया है, उसे उसे लिए बगैर नहीं आएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो मेरी बेटी पर से नजर नहीं ठहर रही। अम्मी वो आपने नीनू को इनवाइट नहीं किया? बेटा बुलाया गैरों को जाता है, अपनों को दावत देने के तकल्लुफ की जरूरत नहीं होती। फिर भी अम्मी एक बार मेरे कहने से उन्हें मेरे लिए बुला लें। कोई जरूरत नहीं, मैं भी देखती हूँ कि उसको अपनी अना प्यारी है, ये तुम्हारी खुशी। जिनकी मुझे नादत हुई, मैं छीन लूंगी ख्वाहिश तोड़ के, आजमाइश छोड़ दूंगी सबको मैं। अच्छा तुम परेशान नहीं हो? मेरी वजह से अपना इवेंट क्यों खराब कर रहे हो? मैं तुम्हें लिए बगैर नहीं जाने वाला। मेहमान आ गए होंगे, तुम जाओ ना। रहने दो अब्रार, इसका ना जाना ही बेहतर है। भैया प्लीज, मीशू की खुशी का सवाल है। नीनू की अम्मी से जो भी नाराजगी है, किसी और दिन के लिए छोड़ देते हैं ना। तुम समझ नहीं रहे हो अब्रार, जिस तरह खाला अम्मी ने मुझे दूर रहने का कहा, अगर मैं चली भी जाऊंगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मीशा की कोई भी खुशी बर्बाद हो। सही कह रही है नीनू, बिला वजह नीचे रसम पे कोई बदमस्की होगी। चलो चलते हैं। मीशू की खुशी तुम्हारे बगैर अधूरी है नीनू, अब ये तुम पर है कि तुम सब कुछ भुलाकर उसकी खुशियों में शरीक होती हो या नहीं। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, तुम्हें जो सही लगता है तुम वही करो। आओ देर हो रही है। है आदत बनी, मैं तोड़ दूं वो रिश्ते सभी, जिनकी मुझे नादत हुई, मैं छीन लूंगी ख्वाहिश तोड़ के, आजमाइश छोड़ दूंगी सबको मैं। है छोटी सारी चाहत सुनता किस्मत मैं। अब्रार आपके लिए इतना तैयार होकर आई, और आप हैं कि आपने देखा भी नहीं मुझे। पहली दफा आपको देखा था, बहुत अच्छे लगे थे मुझे, और कल आपने जो मेरे लिए किया, उसकी वजह से आप पर दिल आ गया मेरा, अच्छे लगने लगे हैं आप, प्यार हो गया आपसे। तुम यहां क्या कर रही हो? वो अब्रार को बुलाने आई थी। भाई तो और भी हैं, तो फिर सिर्फ अब्रार ही क्यों? क्योंकि उन्हें मैं अपना भाई नहीं मानती, इसलिए। तुम क्या अब्रार को पसंद करती हो?
सिर्फ पसंद ही नहीं, प्यार भी करती। जाए जाके बता दे सब, डरती नहीं हूं मैं किसी से। बहादुरी और बेवकूफी में फर्क होता है, और तुम अपने जज्बातीपन में बेवकूफी कर रही हो, बहादुरी नहीं। आप कहना क्या चाह रही हैं? मैं कुछ नहीं कहना चाहती, हाँ लेकिन तुम्हें समझाना जरूर चाहती हूँ। अगर जीतना चाहती हो तो खामोशी से खेलो, यूं शोर शराबा करके सबको बताकर अपनी ही राह में रोड़े अटकाओगी, और अबरार को पाना तुम्हारे लिए और मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब आप मेरे हक में चुप रहकर अपनी बहन के खिलाफ जाएंगी? मैं महानूर से बहुत प्यार करती हूँ रानिया, और मैं उसे बहुत खुश देखना चाहती हूँ। हाँ लेकिन उसकी खुशी अबरार के साथ नहीं है। ऐसा क्यों कह रही हैं? देखो तुम्हें शायद अच्छा ना लगे, लेकिन अबरार और मानो का कोई मैच नहीं है। अगर तो अबरार में कोई बुराई नजर नहीं आती। तुम प्यार करती हो ना अबरार से, इसलिए इसीलिए तुम्हारी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। तुम्हें ना उसकी कोई बुराई नजर आएगी और ना ही उसकी कोई बात बुरी लगेगी। तुम्हारी गलती नहीं है। खैर अबरार तुम्हें बहुत मुबारक हो। अबरार जैसे खुदसर को इसकी खुदसरी का मजा ना चखा दूं तो मेरा नाम भी आफरीन नहीं। चलिए ये तो अच्छा हो गया, अबरार को हासिल करने में आपकी सपोर्ट मिल जाएगी। निशा एक तो पता नहीं आफरीन कहाँ है, मैं उसे कमरे में भी देख के आई हूँ, वहां पे भी नहीं है। वो तुम्हें रस्म के लिए बुला रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हें अकेले कैसे लेकर जाऊं। अकेले क्यों, मैं हूं ना। नीनो नीनो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम आ गई हो। शरीक होने का इरादा तो नहीं था, लेकिन फिर मैं आ गई। मेरी इकलौती नंद और इकलौती कजन जो है, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। तुम बहुत प्यारी लग रही हो हमेशा। आमीन। अब रस्म के लिए चलें, बहुत देर हो गई। अब हुई ना खुशी पूरी। आप दोनों हमेशा को नीचे ले जाइए, मैं पीछे पीछे आती हूँ। नहीं नीनो, तुम मेरे साथ साथ ही चलोगे। चलें? चलो चलो मेरे साथ। नहीं हुआ इंतजार, आखिर मेरे इकलौते भाई की। रानिया तुम क्यों आकर बैठ गई? महानूर को आने दो ना, बाद में करना रस्म। ओह आई एम सो सॉरी,
यहाँ बैठे अंदर, मैंने खाना लगा दिया, आगे खा लें। कभी सोचा नहीं था मीशा के हाथों में किसी और के नाम की अंगूठी देखूंगा। जोड़े आसमानों में बनते हैं भाई, वो शायद आपकी किस्मत में थी ही नहीं। अपनी खुशियों को किस्मत के हाथों लुटने नहीं दूंगा और ना ही हार मानूंगा। तब आप क्या करेंगे? पता नहीं। मीशा कभी भी अपने भाइयों के खिलाफ नहीं जाएगी। मैं भी नहीं चाहता वो ये करे, और जो हो रहा है उसे भी होते नहीं देख सकता। अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। मंगनी हुई है शादी नहीं, होने को कुछ भी हो सकता है। फिक्र ना करो, इस बार कोई बेवकूफी नहीं करूंगा। भाभी से बात हुई है, वो जरूर मदद करेंगी। ऑफ है ना तुम्हारा? रानिया कुछ ज्यादा ही नहीं फ्री हो रही तुम्हारे साथ? जानता हूं, लेकिन भानुर कजन है वो। फ्रैंक होती है मेरे साथ, लेकिन और कुछ नहीं है। क्या उसने कुछ कहा है तुम्हें? नहीं, उसने तो मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। जानती हो, तुम्हें ना एक बीमारी हो गई है, जेलेसी की। बहुत खतरनाक है। पता है मुझे, तुम अच्छी तरह जानते हो ना, तुम्हारे लिए ओवर पोजेसिव हूं मैं। हाँ, अच्छी तरह जानती हूं। और मुझे तुम्हारा मेरे लिए पोजेसिव होना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, बहुत अच्छी तरह जानते हो मुझे, तो फिर ये भी जानते होगे कि तुम्हारा मुझे बातें छुपाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैंने क्या छुपाया तुमसे? यही कि उस दिन ब्रेसलेट तुमने नेहा के लिए लिया था, मैंने आज उसके हाथ में देखा है। हर बात तुम्हें बताऊं, ये जरूरी नहीं है। देखो मानूर, तुम मेरे लिए पोजेसिव हो,
मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन हम पहले भी डिसाइड कर चुके हैं कि नीनू के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। आप इधर हैं? सब आपका पूछ रहे हैं बात। हाँ तुम चलो, मैं आपको। नहीं, मैं आपको लेकर जाऊंगी। चले ना। आप भी साथ चले। क्या नाम था उसका? अभी तो मेरे जहन में घूम रहा था, आसान सा नाम था, रानिया। उसके हालात मुझे ठीक नहीं लग रहे। एक तो मुझे आप औरतों की समझ नहीं आती। शौहर को किसी लड़की ने हंस के देख लिया या बेतकल्लुफी से बात कर ली, फौरन शक होने लगा उसकी नियत पर। आपने भी तो देखा था ना, अब्रार से कैसे बेतकल्लुफ हो रही थी वो। देखा था, सब देखा था भाई। वो उसकी कजन है, इतने अरसे बाद मिले हैं तो जाहिर है आपस में बेतकल्लुफी होगी उनके बीच में। बस अब हम उम्र हैं वो। शाजिया, खामा खा के वहमों से अपने आप को परेशान मत किया करो। आप आज कॉलेज नहीं गई? आई डोंट लाइक अगर आप किसी वजह से भी अपनी एजुकेशन को इग्नोर करो। वो दरअसल ये तो जा रही थी तो बस मैंने ही मना कर दिया इसको। कल रात को बहुत देर हो गई थी ना फंक्शन में, इसलिए कल से जाएगी इंशाल्लाह। ओके गुड, मेक श्योर कि आप विदाउट किसी रीजन ऑफ ना लें। मुझे कुछ काम है। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। आप समझ नहीं रही हैं, वहां मारिया भी होगी और मारिया के थ्रू उसका रابطہ फिर से फरहाद से बहाल हो सकता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेगी मेरी बेटी, मुझे यकीन है उस पर। उसे कॉलेज भेजना बहुत बड़ा रिस्क है। कॉलेज भेजने से ज़्यादा रिस्क इस बात में है कि हम उस पर भरोसा ना करें। बिल्कुल फिक्र ना करो बेटा, वो मेरे भरोसे को बिल्कुल नहीं तोड़ेगी। मुबारक हो तुम्हें। मेरे नाम की अंगूठी पहनती तो मुबारकबाद की खुशी होती। तुम्हारे नाम की अंगूठी ना सही, निशा तुम्हारे नाम हो जाए, इन्हीं कोशिशों में तो लगी नहीं हूं मैं। और वैसे भी तुम्हारी मुश्किल बहुत जल्द आसान होने वाली है। निशा दोबारा कॉलेज ज्वाइन कर रही है। रेली भाभी? हाँ, किस्मत तुम दोनों को मिलाने का सबब बना रही है। अब तुम ना इस मौके को जाया मत करना। उसके दिल में प्यार की शिद्दत इस कदर बढ़ा दो कि वो तुम्हारे सिवा कुछ और सोच ही ना पाए। लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो अपने घर वालों के खिलाफ जाए। देखो, मैं बहू हूँ इस घर की, इन बारीकियों को बहुत अच्छे से जानती हूँ और मैं दिल से चाहती हूँ कि तुम दोनों की शादी सबकी मर्जी से हो। लेकिन उसके लिए तुम्हें निशा को पहले अपनी तरफ करना होगा।
फिर हम मिलजुल कर सब घर वालों को भी मना लेंगे। निशा, निशा, थैंक गॉड तुम आ गई। मुझे तो यकीन नहीं हुआ कि तुम मेरे सामने खड़ी हो। मैं भाई को बताती हूँ। नहीं, तुम फरहाद को कुछ नहीं बताओगी। मारिया, मेरी एंगेजमेंट हो गई है और मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती जिससे मेरी अम्मी और भाई को किसी भी किस्म की शर्मिंदगी हो। और भाई का क्या, तुम तो उनसे प्यार करती थी ना। अगर तुम्हें अपने प्यार और अपने घर वालों में से किसी एक को चुनना हो तो तुम किसे चुनोगे? मैंने अपने घर वालों को चुना, उनकी इज्जत को। और तुम फरहाद को बिल्कुल नहीं बताओगी कि मैं कॉलेज रिजॉइन कर चुकी हूँ। मैं नहीं चाहती कि वो फिर से पूरी उम्मीद हो और मेरे बारे में अब कुछ भी सोचें। मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाला है मारिया, मैं फिर से टूटना नहीं चाहती। बस अरे वाह, तुमने तो बड़ा क्यूट ड्रेस पहना है। चलें, आपने नोटिस तो किया। वैसे जिसके लिए चेंज लाई थी वो कभी तक देखा भी नहीं है। तो क्या हुआ अगर उसने तुम्हें अभी नहीं देखा? आगे तो वो सिर्फ तुम्हें ही देखेगा ना। तुम बस अपनी मौजूदगी का उसे एहसास दिलाती रहो और उसको अपने साथ एंगेज रखो ताकि वो किसी और के बारे में ना सोचे। साउंड्स गुड, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। वो प्यार ही क्या जिसमें मुश्किलें ना हो। हाँ, आप बहुत प्यारे हैं। वो तो मैं हूं। ऐसे वकार भाई ना बहुत लकी हैं जिनको आप जैसी केयरिंग और सूरत बीवी मिली। वैसे अब्रार भी बहुत लकी है जिसको तुम जैसी हसीन बीवी मिलेगी इंशाल्लाह। अरे जाओ, तुम्हारे होने वाला शोहर आ गया, जल्दी जाओ। मैं जाओ 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 आप अंदर नहीं जा सकते। महानूर को रुखसत करके तो नहीं लाया, फिर ये दरवाजा रोकने की रस्म क्यों कर रही हो? वैसे मैं आपसे नाराज हूं। क्यों नाराज हो? क्योंकि मैंने आपके लिए इतनी तैयारी की और आप हैं कि ना नोटिस की और ना ही मेरी तारीफ। हाँ, अच्छी लग रही हो तुम। क्या सिर्फ अच्छी? तो और क्या कहूं। अच्छा, क्या हम दोस्त बन सकते? So already हैं। नहीं, मेरा मतलब बेस्ट फ्रेंड्स। ओके, बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, अब इस दोस्ती की वजह से ट्रीट मेरी वजह से। ठीक है, चल। अरे लेकिन रानिया, मुझे तो चल। और नौकरी कैसी चल रही है तुम्हारी? जॉब अच्छी चल रही है, बस थोड़ी थका देने वाली और टफ जॉब है। गुड, अच्छी बात है, मसरूफ रहो। और खबरदार जो तुमने नौकरी छोड़ने का सोचा भी, क्योंकि वैसे भी अब्रार का तो कुछ पता नहीं है। ऐसा क्यों कह रही हो?